हाय, मैं राजीव सर। आज आपके लिए हम सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है बाबू, ध्यान देना है। जैसे 108 का क्यू, फिर 102 का क्यू, फिर बटा में 108 का स्क्वायर और माइनस 108 गुने 102 अब प्लस 102 का क्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो सिंपल सा ऊपर जोड़ा गया तो इसको हम जोड़ देंगे। 108 में कितना से 102 से, तो आ जाएगा बाबू 210। फिर इसी तरह आता है बाबू क्या है माइनस पे, तो जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का क्या स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बराबर। इसका एग्जांपल फिर से देख लो बाबू, 108 का क्यू माइनस 102 का क्यू बटा 108 का स्क्वायर प्लस 108 गुने 102 का अब प्लस 102 का क्या स्क्वायर। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है बाबू, तो हम इसको नॉर्मल रूप से घटा देंगे और घटा कर जो आएगा वही उसका क्या है आंसर है। फिर अगला देखिए तीसरा नंबर में, इसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू 2a का स्क्वायर फिर ये। तो ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है बाबू, इसका एक फार्मूला अवतार हो जाता है। इस तरह से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हमेशा आएगा 2। एग्जाम्पल में लिए समझना है क्या, एग्जाम्पल के लिए समझना है कि यहाँ 108 प्लस 102 का स्क्वायर प्लस 108 माइनस 102 का स्क्वायर बटा में 108 का स्क्वायर प्लस 102 का स्क्वायर, तो सीधे इसका आंसर आएगा बाबू कितना आएगा 2 आएगा। फिर इस तरह का एक और फार्मूला आता है a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है और यहाँ पे फिर माइनस और बटा में इसको कर देते हैं ए बी और बराबर, तो इस तरह का आंसर में हमेशा 4 आता है। जैसे फार्मूला में 108 प्लस 102 का क्या स्क्वायर और यहाँ पे 108 माइनस 102 का 102 का क्या स्क्वायर और फिर यहाँ पे 108 गुने 102 बराबर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा 4 आता है। ठीक है।